बिहार की राजनीति दिन पर दिन दिलचस्प होती जा रही है। खैर, बिहार की राजनीति तो पहले से ही चर्चा का केंद्र रहा है, लेकिन और भी ज्यादा दिलचस्प होने का कारण है भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह का इस बार चुनाव लड़ना। जब से पवन सिंह का नाम राजनीति से जुड़ा है, तब से पवन सिंह के चाहने वाले खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं और उनकी जीत की कामना कर रहे हैं। और पवन सिंह भी लगातार जनता के बीच अपनी छवि अच्छी बनाने में जुटे हुए हैं और खुद को लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर, लेकिन उससे पहले नमस्कार, स्वागत है आपका GBN24 पर और मैं हूं आपके साथ अपराजिता। दरअसल बिहार के काराकाट सीट से भोजपुरी स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और जब से उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तब से काराकाट सीट काफी खास हो गई है। पवन सिंह लगातार वहां के लोगों से जनसंपर्क में जुटे हुए हैं और बहुत जोड़ों शोरों के साथ चुनाव का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कुछ दिन पहले एक बात काफी तेजी से उठी थी, जिसमें कहा गया था कि यदि उन्होंने नामांकन से अपना नाम वापस नहीं लिया तो बीजेपी उनके खिलाफ काफी कड़ा एक्शन लेगी। लेकिन अब ये बात फाइनल हो चुकी है कि पवन सिंह अब यहीं से यानी कि काराकाट से ही चुनाव लड़ेंगे। और इसके साथ ही पवन सिंह ने मुंबई नहीं जाने का फैसला लिया है और लोगों से कहा है कि अब वो यहीं रहेंगे, लोगों के बीच उनकी परेशानियों को जानेंगे, समझेंगे, जिसके लिए उन्होंने वहां की जनता को अपना मोबाइल नंबर भी दिया है। दरअसल सुपरस्टार पवन सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक लड़की उनसे कह रही है, आइए गाना घर राखी बंधवाने, आपसे बात नहीं होगा ना अब। लड़की का सवाल सुनकर एक्टर ने फौरन उसे फोन नंबर देने को कहा। लड़की के हाँ करते ही उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ झटपट अपना फोन नंबर दे दिया। पवन सिंह के ऐसा करते ही चारों तरफ सिर्फ उनकी ही चर्चा हो रही है। कोई इसे राजनीति का दाव पेच बता रहा है तो कोई उनकी तारीफ करते नहीं थक रहा। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि निर्दलीय पवन सिंह को काराकट की जनता स्वीकार करती है या नहीं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही राजनीति से जुड़ी खबर को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे GBN24।